सभी साथियों को राम राम नमस्कार। इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीआईएसएफ फायरमैन कांस्टेबल की भर्ती के बारे में, और ये वीडियो आपके लिए काफी जरूरी रहने वाली है क्योंकि मैं आपको एक तो डीवी रिव्यू के बारे में भी बताने वाला हूं, क्योंकि जिन बच्चों के आगामी दिनों में डीवी होने वाला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, उनके लिए भी जरूरी है, और बाकी का जिन बच्चों का डीवी हो भी चुका है उन बच्चों के लिए भी ये वीडियो जरूरी रहेगी, क्योंकि हम दोनों चीजों की बात करेंगे। पहली तो आपकी ओवरऑल ही के आपका डीवी किस तरीके से हो रहा है, कितने बच्चे फेल पास हो रहे हैं, वो सारी चीजें। इसके अलावा यहाँ पे हम बात करने वाले हैं थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में, तो थोड़ा सा जिससे आपको आइडिया मिल पाए। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देख लेना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट के नोटिफिकेशन मिलते रहें। साथ ही में आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएं ताकि इस भर्ती से संबंधित अगर कोई भी नोटिस वगैरह आए तो आप सभी को शॉर्ट पीरियड में तुरंत से वहां से मिल जाए। लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइएगा। अब देखिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले आपके डीवी रिव्यू के बारे में, डीवी का फिलहाल क्या चल रहा है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका 3 दिन का डीवी हो चुका है, यानी कि आपका 14 का हो गया, एक आपका 15 का हो गया, एक आपका 16 का हो गया, और आज 17 तारीख है, आज चौथे दिन का आपका डीवी यहाँ पे होने वाला है। अगर हम इसके हिसाब से बात करें तो ओवरऑल 14, 15, 16 इन तीनों दिनों का जो आपका डीवी है बहुत ही आसान तरीके से हुआ है, यानी जिस स्थिति से अभी तक आपका डीवी हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा कि आपके सामने किसी भी तरीके की कोई समस्या है, आपको लग रहा है कहीं मुझे इसमें डीवी में रिजेक्ट ना कर दिया जाए, तो ये चीज अपने दिमाग से बाहर निकाल के जाओ और आराम से अपना डीवी देने जाओ। आप डीवी में डिस्क्वालिफाई नहीं होने वाले हैं, क्वालिफाई हो जाओगे। अगर आप एक जेन्युइन कैंडिडेट हैं, अगर आपसे कोई वैसे मिस्टेक हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब आप ऐसे समझो कि आप वैसे तो बिलोंग करते हैं जनरल कैटेगरी से और आपने एससी में फॉर्म अप्लाई कर दिया, तो सीधी सी बात है कि इस कंडीशन में तो आप रिजेक्ट ही होंगे। लेकिन नॉर्मली अगर कोई कंडीशन आपसे गलती हो गई है, कुछ भी हो गया, कोई सर्टिफिकेट देरी से बना है, बाद का बना है, पुराना है, नया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप क्वालिफाई हैं, आप ऐसा समझ के चलो। क्योंकि आपको बता दें बहुत सारे सेंटर्स पे ये भी हो रहा है कि अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है ना, तो आपको बोला जा रहा है कि ठीक है, आप अगर जब आराम से मेडिकल के लिए शॉर्ट लिस्टेड हो जाए तो मेडिकल के टाइम पे एक और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आप दे देना अपने सर्टिफिकेट। अब बताओ इससे ज्यादा सहूलियत क्या होगी। तो सीधी सी बात है कि वहां पे कोई भी मूड नहीं है कि किसी भी बच्चे को डिस्क्वालिफाई किया जाए, सिर्फ आप ऐसे समझो कि आपके डॉक्यूमेंट्स को वहां पे चेक किया जा रहा है, डिस्क्वालिफाई बच्चों को बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि अगर बच्चे डिस्क्वालिफाई होते, अच्छे तरीके से डीवी होता, तो यहाँ पे हाई मार्क्स वाले बच्चे भी डिस्क्वालिफाई होते, जिसकी वजह से आपकी जो एक और मेरिट आएगी उस पर कहीं ना कहीं असर पड़ता, तो वो मेरिट आपकी डाउन जा सकती थी। बट अब यहाँ पे कोई डिस्क्वालिफाई हो ही नहीं रहा है, कुछ बच्चे हो रहे हैं जो केस मैंने आपको बताया कि जो उनका बिल्कुल ही उल्टा केस है, वही बच्चे डिस्क्वालिफाई हो रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि मेरिट आपकी हाई जाने वाली है। अब यहाँ पे ऐसे समझो कि कुछ बच्चों को क्या है कि मुझे कुछ क्रूशियल जो डेट है उसे लेके कुछ सेंटर्स के बारे में ये चीजें पता चली थी। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो कुछ बच्चों ने मुझे रांची सेंटर से इसके बारे में अपडेट किया कि वहां पे क्रूशियल डेट का मांग रहे, और कुछ बच्चे कोलकाता से भी मुझे बोल रहे थे कि सर कोलकाता और आपका रांची दो सेंटर से मुझे बच्चों ने बोला है कि इसमें क्रूशियल डेट का मांगा गया है कि आपका क्रूशियल डेट से पहले का सर्टिफिकेट बने होने चाहिए, का सर्टिफिकेट। डोमिसाइल के लिए कोई ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की है, बस थोड़ी सी वहां पे प्रॉब्लम हुई है, तो का सर्टिफिकेट की प्रॉब्लम हुई है। बाकी के सेंटर पे तो एकदम खुली छूट टाइप चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट अभी नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम है तो क्या बोला जा रहा है कि मेडिकल के टाइम पे आपको बोल दिया जाएगा और आपको एक स्लिप दे दी जा रही है कि ये डॉक्यूमेंट्स आपके इनकम्प्लीट है और ये वाले डॉक्यूमेंट्स अगर आप शॉर्टलिस्टेड होते हैं तो मेडिकल के टाइम पे आपको दे देना है। तो ये पूरा प्रोसेस चल रहा है। ओवरऑल मैं अगर कहूं तो डीवी बहुत ही आसान तरीके से हो रहा है। अब आपके पास ऐसे समझो कि क्रूशियल डेट का अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो सीधी सी बात है कि पास्ट में जाके तो आप सर्टिफिकेट बनवा नहीं सकते, नए सर्टिफिकेट के साथ आप अपना डीवी देने जाइए और आप क्वालिफाई हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि जो चीज पॉसिबल है ही नहीं उसके लिए सोचना ही क्या। जैसे कि अगर आपसे कोई कहे कि भाई क्रूशियल डेट का ही चाहिए तो क्या करोगे, बनेगा तो है नहीं किसी भी कंडीशन में। ज्यादा से ज्यादा आप ये कर सकते हो कि आप अपना एग्जाम देने ना जाओ, जो कि एक सबसे बड़ी गलती आपके लिए हो सकती है। तो आपके कितने भी नंबर हैं तो अपना डीवी देने जाओ और जो भी सर्टिफिकेट अभी है एट प्रेजेंट टाइम उनके साथ जाओ, या नए बनवा के जा सकते हो उनके साथ जाओ, लेकिन पुराने नहीं है तो उसके लिए पास्ट का तो भाई कुछ होना ही नहीं है। तो प्रेजेंट में जो भी चीजें आपके पास उपलब्ध हो सकती है उसके अनुसार आपको डीवी देने जाना है। अब इसके अलावा अगर देखो मैं मेरिट की बात करूं, यहां पे अगर हम बात करें आपकी कट ऑफ के बारे में, मेरिट के बारे में,
तो ये काफी हाई आपको देखने के लिए मिलेंगी। और हाई का रीजन क्या है वो ऑलरेडी मैं आप सभी को बता चुका हूँ, दोबारा से एक्सप्लेन करने का मतलब नहीं है, क्योंकि डीवी में बच्चे डिस्क्वालीफाई हो नहीं रहे हैं, और अगर बच्चे डीवी में डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे तो मेरिट स्वाभाविक सी बात है कि आपकी ऊपर जाएगी। और अगर मैं बात करूं तो आप सभी को पता है कि 1700 प्लस वैकेंसी, और 1700 प्लस वैकेंसी के लिए ऑल ओवर इंडिया में अगर आप स्कोर देखेंगे तो बच्चों के 96, 97, 98 तक स्कोर मैंने बच्चों के देखे हैं। अब इतने इतने बढ़िया अगर स्कोर कर रखे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि कट ऑफ आपकी ऊपर जाएगी भैया, तो उसके लिए तैयार रहो, क्योंकि देखो 1700 प्लस वैकेंसी है, तो जितनी वैकेंसी है उतनी ही वैकेंसी के लिए आपकी जो मेरिट होगी, अगली जो मेरिट आपकी आने वाली है डीएमए के लिए, वो जितनी आपकी पोस्ट है उसी के लिए आपकी मेरिट आएगी। यानी कि ऐसा नहीं है कि अभी क्या है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे सभी बच्चों को क्वालिफाई कर दिया, हो गए ठीक है, लेकिन अगली जो मेरिट आएगी वो अपने आप बहुत हाई चली जाएगी, आपको खुद से पता चल जाएगा। तो बाकी की जो भी अपना डीवी देने जाओ, जो भी उसके बाद होगा वो देखा जाएगा, कहते हैं ना अपना कर्म करो, फल जो होगा वो देखा जाएगा और कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। अगर आप मेहनत करोगे नहीं, प्रयास ही नहीं करोगे तो जिंदगी में सफलता मिलेगी नहीं, क्योंकि जब आप पहली बार इसकी भर्ती देखने गए होंगे तो गारंटी तो किसी चीज की थी नहीं कि भाई अगली स्टेज के लिए हम क्वालिफाई होंगे या नहीं होंगे, एक उम्मीद के भरोसे गए थे। और अच्छे एस्पिरेंट की ये पहचान है कि वो उम्मीद के भरोसे लगातार प्रयास करता रहता है, और लगातार प्रयास करने से सफलता आपको मिलती मिलती है। तो इसलिए सारी चीजों को छोड़ के अपना जो काम है वो करो, बाकी का जो भी होगा देखा जाएगा, अपना बेस्ट दो, बाकी का ज्यादा मत सोचो। तो यही मोटा मोटी जो चीजें हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। डीवी का फिलहाल जो चल रहा है ओवरऑल मैंने फाइनल आपको बताया, इसके बाद आपको डीवी से रिलेटेड कोई वीडियो देखने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि जो भी चीजें हम क्लियर कर सकते थे वो मैंने आपको क्लियर कर दी। इससे पहले भी एक वीडियो बना दी थी और अब मैंने आपको बना दी है, और ये लास्ट वीडियो 25 तारीख को आपके डीवी खत्म हो जाएंगे। उसके बाद जब भी आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा और कोई भी अपडेट आएगी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। फिलहाल के लिए साथियों बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद। अगली जो मेरिट आपकी आने वाली है डीएमए के लिए, वो जितनी आपकी पोस्ट है उसी के लिए आपकी मेरिट आएगी। यानी कि ऐसा नहीं है कि अभी क्या है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे सभी बच्चों को क्वालिफाई कर दिया, हो गए ठीक है, लेकिन अगली जो मेरिट आएगी वो अपने आप बहुत हाई चली जाएगी, आपको खुद से पता चल जाएगा। तो बाकी की जो भी अपना डीवी देने जाओ, जो भी उसके बाद होगा वो देखा जाएगा, कहते हैं ना अपना कर्म करो, फल जो होगा वो देखा जाएगा, और कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। अगर आप मेहनत करोगे नहीं, प्रयास ही नहीं करोगे तो जिंदगी में सफलता मिलेगी नहीं, क्योंकि जब आप पहली बार इसकी भर्ती देखने गए होंगे तो गारंटी तो किसी चीज की थी नहीं कि भाई अगली स्टेज के लिए हम क्वालिफाई होंगे या नहीं होंगे, एक उम्मीद के भरोसे गए थे। और अच्छे एस्पिरेंट की ये पहचान है कि वो उम्मीद के भरोसे लगातार प्रयास करता रहता है, और लगातार प्रयास करने से सफलता आपको मिलती मिलती है। तो इसलिए सारी चीजों को छोड़ के अपना जो काम है वो करो, बाकी का जो भी होगा देखा जाएगा, अपना बेस्ट दो, बाकी का ज्यादा मत सोचो। तो यही मोटा मोटी जो चीजें हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। डीवी का फिलहाल जो चल रहा है ओवरऑल मैंने फाइनल आपको बताया, इसके बाद आपको डीवी से रिलेटेड कोई वीडियो देखने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि जो भी चीजें हम क्लियर कर सकते थे वो मैंने आपको क्लियर कर दी। इससे पहले भी एक वीडियो बना दी थी और अब मैंने आपको बना दी है, और ये लास्ट वीडियो 25 तारीख को आपके डीवी खत्म हो जाएंगे। उसके बाद जब भी आपको